आज के वीडियो में आपको ऐश्वर्या राय, अभिषेक और आराध्या बच्चन के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर का सबसे बड़ा फिल्मी मेला केन्स फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट होने को है और इसमें ऐश्वर्या राय जो हर साल पार्टिसिपेट करती रहती हैं, वो इस साल भी पार्टिसिपेट करने के लिए एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई हैं। ऐश्वर्या राय के साथ उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन को भी स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर। केन्स के लिए निकल रहे हैं, जहां पे वो केन्स फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करेंगे। बॉलीवुड कपल ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन फ्रांस के लिए जा चुके हैं और वो इस साल केन्स फिल्म फेस्टिवल एक साथ अटेंड करेंगे। उनको मुंबई एयरपोर्ट पर लास्ट मंडे नाइट को स्पॉट किया गया है। ऐश्वर्या राय जो है वो केन्स फिल्म फेस्टिवल में रेगुलर हैं और वो अक्सर अपने साथ आराध्या को भी साथ लेकर जाती हैं और इस साल अभिषेक भी उनके साथ गए हैं। ऐश्वर्या राय को देखा गया है कि उन्होंने ब्लैक कलर का ब्लेजर और साथ में मैचिंग ट्राउजर और बूट्स पहन रखे थे। आराध्या बच्चन पिंक स्वेटशर्ट में थी, जबकि अभिषेक बच्चन पर्पल हुडी में देखे गए हैं। ऐश्वर्या ने 2002 में संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास के थ्रू केन्स फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू किया था और तब से वो काफी रेगुलर हैं और हर साल केन्स फिल्म फेस्टिवल में जाती हैं और उनके फैशन सेंस को लेकर भी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं। और तो बात करें ऐश्वर्या राय की, तो ऐश्वर्या राय के बारे में आजकल ये भी बहुत चर्चा है कि उन्होंने रिसेंटली सेकंड बेबी बॉय को जन्म दिया है। और तो ऐश्वर्या, अभिषेक या बच्चन फैमिली की तरफ से अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, बट रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या सेकंड टाइम मदर बन चुकी हैं और अब लोग यही कह रहे हैं कि वो मदर बनने के फौरन बाद ही केन्स फिल्म फेस्टिवल में चली गई हैं। ऐश्वर्या के साथ साथ केन्स फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण और हिना खान भी केन्स पहुंच चुकी हैं, जहां पर वो इस प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल का पार्ट बनेंगी। दीपिका इस फिल्म फेस्टिवल की 9 मेंबर जूरी का भी पार्ट है। आपको ऐश्वर्या राय के बारे में सब जानकर कैसा लगा, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।